Today we will be looking for a strategy, which can fetch results in 3 to 5 days. तो आजकल 5 महीना 6 महीना तो रुकने का पेशेंस लेवल है नहीं, हम लोगों को थोड़ा रिजल्ट फास्ट चाहिए होता है। आई थिंक इट इज एन FNO ट्रेडिंग सिस्टम जिसको आपने खुद डेवलप किया है। कई बार हम मार्केट में कहते हैं कि चीजें गैप हो गई है, गैप से ऊपर खुला है, मार्केट गैप से नीचे खुला है। उस गैप को कैसे प्ले करना है, उसके पीछे क्या प्राइस एक्शन है, और जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं उसको हम उसको तीन चार चीजों को कैसे क्लब करके क्या एक हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं, रिवर्सल की इम्पोर्टेंस क्या है और उसका फास्ट इम्पैक्ट क्यों होता है। लो लो शुड बी ग्रेटर देन द EMA और द हाई शुड बी लेस देन द EMA। यस यस, अगर आप गलत हो तो भी सही पोजीशन साइजिंग आपको वापस सही ले आएगी। मतलब इट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे लोग आके फंसेंगे एक्चुअली। यस, बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या प्रेफर ज्यादा करता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, टुडे वी हैव पवन विद अस हु इज द सीजन फाइनेंस प्रोफेशनल, बोस्ट्स ओवर अ डेकेड ऑफ एक्सपर्टीज इन वर्किंग कैपिटल एंड मॉर्गेज बेस्ड प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटी बेस्ड फंडिंग विद ICICI बैंक। Since 2019, he has excelled in Indian equities and derivative markets, exhibiting consistent profitability. With a master's degree in finance and SEBI registration as research analyst, Pawan blends technical and fundamental analysis. His adept skills led him to develop a bespoke system for identifying long-term investment opportunities. For those of you who don't know, I was introduced to Pawan Bhai by बिजॉयदा, जिन्होंने हमारे साथ ओपन इंटरेस्ट का एक सेशन किया था, एंड देन आई रिक्वेस्टेड हिम कि आई वांट समबडी फ्रॉम यू हु कैन शेयर सम ग्रेट कंटेंट। सो पवन भाई, वेलकम टू द शो, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? थैंक यू रोहित जी। टुडे वी विल बी लुकिंग फॉर अ स्ट्रेटेजी व्हिच कैन फेच रिजल्ट्स इन 3 to 5 days। तो आजकल 5 महीना 6 महीना तो रुकने का पेशेंस लेवल है नहीं, हम लोगों को थोड़ा रिजल्ट फास्ट चाहिए होता है। तो यस, जहां मुझे अच्छी एक्यूरेसी मिले और 4 से 5 दिन में रिजल्ट फेच कर सकता हूं, और ऐसा सेटअप जो मुझे दिन में आधे घंटे से ज्यादा अपनी बैंडविड्थ चोक नहीं करने दे। सो दिस काइंड ऑफ सेटअप वी आर ट्राइंग टू जस्ट गो थ्रू, आज उसकी कोशिश करेंगे। ठीक है, आई थिंक इट इज एन FNO ट्रेडिंग सिस्टम जिसको आपने खुद डेवलप किया है। हाँ, ये एक FNO ट्रेडिंग सिस्टम है जिसके अंदर हम रिवर्सल बेस्ड कुछ रूल्स होते हैं और मूविंग एवरेजेस जो EMA है हम उनका यूज करेंगे, और कुछ इस तरह से प्राइस एक्शन को प्ले करने की कोशिश करेंगे कि जो इमीडिएट नेक्स्ट 4-5 दिन के अंदर जब हाई कवरिंग आती है तो हम, या जैसे लॉन्ग है तो शॉर्ट की तरफ जो कवरिंग आती है, या शॉर्ट है तो लॉन्ग की तरफ जो कवरिंग आती है, हम उसको कैसे इनकैश कर पाए। ओके ओके, तो हाँ, उसके अंदर हमारे जो व्यूअर्स हैं वो ऑप्शन ट्रेडर हैं, तो दे कैन गो बाय ऑप्शन बाइंग एज वेल। इफ दे आर फ्यूचर ट्रेडर्स दे कैन गो विद देयर फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। ओके ओके, और बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि मैं क्या प्रेफर ज्यादा करता हूँ। ओके, तो So I am putting you on the presentation mode, ठीक है? Yeah, over to you. चलिए। तो थैंक यू रोहित जी। सबसे पहले हमें एक बार सबको व्यूअर्स को समझना पड़ेगा कि कई बार हम मार्केट में कहते हैं कि चीजें गैप हो गई है, गैप से ऊपर खुला है, मार्केट गैप से नीचे खुला है। उस गैप को कैसे प्ले करना है, उसके पीछे क्या प्राइस एक्शन है, और जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं उसको हम उसको तीन चार चीजों को कैसे क्लब करके क्या एक हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिस सिस्टम पे अगर हम सुबह 9 से 9:30 10 बजे और शाम को अगर मैं कहूँ 2:30 3 बजे बाद ध्यान दूँ तो मैं ट्रेड जनरेट कर पाऊँ। ओके ओके, और मेजॉरिटी जो वर्किंग है वो मेरी ओवरनाइट हो जाए। ओके जब मैं इस सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रहा था तो वर्किंग करने से पहले जैसा हम जानते हैं कि वी आर वेरी मच कीन इनटू ट्रेडिंग इंट्राडे थिंग्स, तो मैंने देखा काफी बार ऐसे विप्सॉस आते हैं जो कि इंट्राडे मूव में तो हमें बाहर कर देते हैं, बट एंड ऑफ द डे जब हम पोजीशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये इंट्राडे जो स्पाइक आई, ये स्पाइक मेरा ट्रेड ले गई है। यस, अदरवाइज टेक्निकली मेरा स्टॉप लॉस नहीं हुआ था। एग्जैक्टली और
जैसा हम बुक्स भी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि ऑल द बिग ट्रेडर्स हैव टोल्ड दिस दैट मार्केट इज क्लोज्ड बाय अ मैच्योर गाय, एट द ओपनिंग ट्रेड इज डन बाय अ न्यू कमर, बट द क्लोजिंग ऑफ द मार्केट इज डन बाय अ मैच्योर और मैच्योर सीजन गाइस सीजन ट्रेडर। या तो हम कोशिश यही करेंगे कि पूरे दिन का जो प्राइस एक्शन है वो जब 2:30-3 बजे क्लब होके एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो मैं उस टाइम पे डिसीजन लूं कि मुझे ट्रेड में क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसी चीज पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा आइडेंटिफाई कैसे करना है ट्रेड, ये डिस्कस करेंगे। रिवर्सल की इंपॉर्टेंस क्या है और उसका फास्ट इंपैक्ट क्यों होता है, ये व्यूअर्स को और हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्यों कोई ओके चीज अगर रिवर्सल में आती है तो बहुत ज्यादा तेजी उसमें क्यों आती है, या मोमेंटम तेज क्यों होता है। बेसिकली मोमेंटम बहुत तेज क्यों आता है, और अकॉर्डिंगली ही हम जो है ट्रेड प्रिपेयर करेंगे कि हमें ट्रेड कैसे लेना है। ओके, सो वी आर हैविंग ऑल द थिंग्स इन आर एजेंडा टुडे। सिंस मेजर फर्स्ट पार्ट ऑफ आर सिस्टम इज ऑन द बेसिस ऑफ मूविंग एवरेज, व्हिच वी कॉल यू नो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो हमारा होता है, तो आई जस्ट ट्राई, पहले हम लोग एक बार जरा मूविंग एवरेज को समझ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। हालांकि आपको बेसिकली व्यूअर्स को भी पता होगा ज्यादा, इट्स अ टाइप ऑफ मूविंग एवरेज दैट गिव्स वेटेज टू रीसेंट प्राइस डेटा, कि पिछले 1-2 दिन, अगर मैं 20 दिन के मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो पिछले 20 दिन का प्राइस डेटा को वेटेज देते हुए आज का जो प्राइस निकलता है दैट इज मूविंग एवरेज, ये हम सब जानते हैं। एक्सपोनेंशियल जो है वो थोड़ा सा मोर रेस्पॉन्सिव होता है, इसी वजह से आजकल लोग SMA की जगह EMA पे शिफ्ट हो गए हैं। हमारे सेटअप में हम बहुत एक छोटे मूविंग एवरेज को पकड़ के चलेंगे। जनरली आप देखेंगे कि लोग 200, 100, 20, 30 इस तरह के मूविंग एवरेज को करते हैं। वी आर गोइंग टू वर्क विद 3 और 5 मूविंग एवरेज, वेरी वेरी स्मॉल एंड टाइट रेंज। ओके जब हम चार्ट पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जनरली 3 और 5 का जो मूविंग एवरेज होता है, पूरा दिन का कैंडल उस मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं करता है, इट डज नॉट लीव इट। वो इसलिए लीव नहीं कर रहा क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन का जो एवरेज का कंपोजिशन है उसी मूवमेंट पे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, सो 3 हेयर रेफर्स टू एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज कैलकुलेटेड ओवर अ लास्ट 3 पीरियड ऑफ पीरियड फ्रेम, विच इज लास्ट 3 डेज, एंड फॉर ओके 5 दिस विल बी 5 डेज। आई थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल, या एंड ये जो डेफिनेशन है ये मैंने नहीं लिखी है, मैंने भी गूगल से ही निकाली है और यहाँ पर पेस्ट करी। ठीक है, बट बेसिकली अंडरस्टैंडिंग सबका इस मामले में क्लियर होना चाहिए कि पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन को हम जो ले रहे हैं वो 3 मूविंग एवरेज है और 5 डेज का है जो 5 है। तो अगर ओके हम कहें कि 110, 115, 120 इस तरह की क्लोजिंग प्राइस अगर रही है इस तरह की, तो मूविंग एवरेज उसी रेशियो में बढ़ेगा, यस एक स्टीप उसी तरह का आएगा। बट यस अचानक से कुछ बहुत ज्यादा अबनॉर्मल मार्केट अप और डाउन खुलता है, तो आप देखोगे कि वो एक पर्टिकुलर दिन ऐसा आएगा जब वो अपने मूविंग एवरेज को ब्रीच कर जाएगा या मूविंग एवरेज से दूर हो जाएगा प्राइस एक्शन उस दिन का, यस है ना। इस चीज को हम बस, ये मेरे इस पॉइंट को थोड़ा सा व्यूअर्स और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और शायद इस बात को उनको वापस आके वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं चार्ट पे चलूंगा तो ये चीज क्लियरली विजिबल और हो जाएगी, उस टाइम ओके एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ। अभी ओके सिर्फ एक बार मेमोरी में रिकॉल रखना है और चार्ट पे चलते टाइम हमको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ओके, जब हम स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, यानी कि मैं शाम को 7-8 बजे बाद जब घर पे बैठा हूं तो मैं स्टॉक का सिलेक्शन करूंगा, मैं प्री प्रिपेयर होके मैदान में खेलने आया हूं, मैं सुबह 9:15 बजे बाद बैटिंग नहीं करता, मतलब प्रिपरेशन मेरी पहले होगी, उस ओके वक्त सिर्फ एग्जीक्यूशन होगा मेरा। ठीक है, ओके तो मेरे को आफ्टर इवनिंग मुझे देखना है कि आज का स्टॉक का कुछ गैप अप है, गैप डाउन है, और स्टॉक मेरा मूविंग एवरेज को क्लोजिंग के टाइम टच नहीं कर रहा है, दिस इज माय फर्स्ट सिलेक्शन पॉइंट, ओके कि मेरा जो स्टॉक का पूरे दिन का जो प्राइस एक्शन है
उस प्राइस एक्शन में मूविंग एवरेज 3 और 5 को पूरे दिन में टच भी नहीं किया है, नॉट इवन द विक हैज टच्ड। हम लोग डेली चार्ट्स की बात कर रहे हैं, हम डेली चार्ट्स की बात करेंगे। दैट मींस बेसिकली सिंपल रूल इज देयर, लो शुड बी ग्रेटर देन द ईएमए। हाँ मतलब इधर बोथ साइड, इफ इट इज दैट लो शुड बी ग्रेटर देन द ईएमए और द हाई शुड बी लेस देन द ईएमए। यस 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 बिल्कुल, हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरी एक इनिशियल कंडीशन है, क्योंकि वो चीज मुझे क्लियर कर देगी कि मार्केट में आज गैप था या इस स्टॉक के अंदर गैप था। ओके सो नेक्स्ट डे का जो मूव है वो मेरा क्वालिफाइंग कैंडल होगा। ओके बड़ा इंटरेस्टिंग सेटअप है, इसमें मजा भी आएगा और पर्सनली मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आने से पहले मुझे लगता है कि एक बार आई थिंक ईएमए का पॉइंट क्लियर हो गया हमको सबको। यस यस, ईएमए का पॉइंट क्लियर होने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि देखिए हमने पहले दिन देख लिया कि ईएमए की जो लाइन है उसको मेरा स्टॉक ने टच नहीं किया है, विच मीन्स लो वॉज इधर हाई अबव ईएमए और हाई वॉज देन द लोअर ऑफ ईएमए, राइट? या ये मेरा हो गया। नेक्स्ट डे का फॉर्मेशन जो है वो मेरी कंफर्मेशन बार होती है। ओके, अगर मैं लॉन्ग के ट्रेड में जा रहा हूं तो मेरी कंफर्मेशन बार विल बी इन ग्रीन कलर। ओके मतलब कि बुलिश बार हो गई, बेसिकली बुलिश बार है। और अगर मैं शॉर्ट के ट्रेड में जाऊंगा तो कंफर्मेशन बार हैज टू बी इन रेड कलर। ओके, इट मींस इट विल बी अ बेरिश कैंडल। सो बेसिकली इफ आई एम गोइंग इन अ लॉन्ग ट्रेड, द कंफर्मेशन बार विल बी अ बुलिश कैंडल। ओके इवन इट इज अ डोजी, इट हैज टू बी अ ग्रीन। ओके, इट कैन बी अ डोजी। ओके, ठीक है। और वैसे ही मैं अगर शॉर्ट के ट्रेड में जाऊंगा तो मेरी कंफर्मेशन बार जो है वो बेरिश होनी चाहिए। बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है सर, यहाँ पे एकदम क्लियर हो गया। yeah. यानी डे वन पे मेरा स्टॉक आइडेंटिफाई हुआ है, डे टू की क्लोजिंग तक मैंने वैलिडेशन के लिए खुद को रोका है। थर्ड डे मॉर्निंग में 9:30 के बाद में अगर किसी भी साइड में मेरा जो प्रीवियस डे का क्लोज है, प्रीवियस डे का जो क्लोज है वो ब्रीच हो जाता है, यानी उसका ब्रेकआउट आ जाता है, तो मैं उस ट्रेड में एंट्री कर लूंगा। तो हम ये कह रहे हैं कि सबसे पहले मेरी कैंडल बनेगी। देखिए ये क्या है कि दिखने में लगता है कि हमने 2-4 मिनट में बात कर लेंगे, हो जाएगा 10 मिनट में, बट वो एक एक पॉइंट को फिल्टर आउट सबको हमें करना पड़ेगा और व्यूअर्स को भी शायद हो सकता है 2-3-4 बार देखना पड़े, 5-7-10 एग्जाम्पल हमें लेने पड़े, ठीक है। तो जो हाई ऑफ द कैंडल है जब मैं बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ, यानी कि विक जो है वो विक भी मूविंग एवरेज को टच नहीं करेगा, ईएमए विल बी मच हायर देन दिस, विच मींस नीचे के ट्रेंड के ऊपर आया। और जो नेक्स्ट कैंडल है दैट इज गोइंग टू बी अ बुलिश कैंडल और अ डोजी कैंडल बट विद अ ग्रीन कलर। ये मेरा डे टू हो गया। डे थ्री मॉर्निंग के अंदर मेरा जैसे ही बुलिश कैंडल या कंफर्मेशन कैंडल जो था, उस कंफर्मेशन कैंडल का क्लोज टूटेगा ऊपर की तरफ, मैं वहां पर अपनी पोजीशन को लॉन्ग करके चला जाऊंगा और मेरा वहां पर एक सर्टेन स्टॉप लॉस है जो हम अभी चार्ट देखेंगे तब डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम प्लेसमेंट करते हैं, और आई विल कंटिन्यू दैट ट्रेड फॉर मैक्सिमम 5 डेज। ओके, अब वो 5 दिन के अंदर मेरा 1:2, 1:3 आता है या फिर मैं चेज करना चाहता हूँ वो हम अलग अलग एग्जिट क्राइटेरिया लोग रखते हैं तो वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये हमारा एंट्री का बात हो गया कि हम एंट्री कैसे करने वाले हैं। शॉर्ट का अब जैसे मैंने इसमें लिखा है शॉर्ट एंट्री करनी है तो क्या है, इंस्ट्रूमेंट कंफर्मेशन बार जो है वो नीचे चला जाएगा किसके, मेन जो प्रिंसिपल बार मेरी सिलेक्शन हुई उसके, ठीक है। वैसे ही अभी आपने बुलिश की बात करी, दिस बेरिश हो गया, ठीक है। एग्जिट रूल, टारगेट कैन बी सेटअप एज अ 1:2, 1:3, वो इंडिविजुअल का जो रिस्क एपेटाइट होता है उस हिसाब से, और ओवर अ पीरियड कई बार आदमी को एक्सपर्टीज आ जाता है, क्योंकि बिकॉज द वन शॉट विच यू प्रैक्टिस 1000 टाइम्स यू नो आप समझने लग जाते हो कि ये ट्रेड कहाँ तक जाएगा, तो आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट ले पाते हो जी हाँ। और टारगेट को हम ट्रेल भी कर सकते हैं 2 बार SL के साथ में या 3 बार IKSL के साथ में, इट कैन बी ट्रेल्ड आउट। ओके, तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये हम एक बार पूरा सेटअप को चार्ट पे ले लेते हैं। ओके, सो देखिए रोहित जी, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिया है विच इज ऑफ मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट, ठीक है।
ठीक है, और अब आप ये जो मैंने राइट मार्क किया है इस कैंडल पे ध्यान दीजिएगा, जो हम बात कर रहे थे कि आप देखिए पहले पूरा प्राइस एक्शन पुराना देखिए, कभी भी 3 और 5 का EMA को छोड़ा है क्या कैंडल ने? टच कर रहा है बार बार उसको, कभी भी नहीं छोड़ा है। यस, है ना, इसका मतलब हम जब मैं जो आपको वो जो पहला स्टेटमेंट था, जब हम जाके EMA की डेफिनेशन मूविंग एवरेज को ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किसी भी प्राइस अपनी रेंज से अचानक दूर चली जाती है तो उसके बाद में एक कहते हैं ना वो मूविंग एवरेज के पास आना पड़ता है, मीन रिवर्सल करता है वो अपना, मीन रिवर्सल होगा। ये यहां पर देखिए ये 1 मार्च का कैंडल, ठीक है, ये कैंडल टच नहीं हो रहा मेरा 3 और 5 EMA को। यस, ठीक है सर, तो ये मेरा कैंडल शाम को आइडेंटिफाई हो गया। यस, आफ्टर 8 o'clock मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कैंडल मेरा ये इस ट्रेड को मैं कल वॉच करूंगा। इट इज माय सिंपल फॉर्मूला, या कि ये मैं कैंडल को कल वॉच करूंगा। नेक्स्ट डे क्लोजिंग के टाइम पे मैंने क्या देखा कि प्रीवियस डे का मेरा जो क्लोज था दैट वाज 67 और ये वाला क्लोज भी मेरा 67 के ऊपर आपका हुआ और ये नीचे हो गया। ठीक है जी, या यानी कि मेरा ये 2 मार्च को सैटरडे के दिन मार्केट कैसे खुला था, ओके वो हुआ था इस बार, ठीक है, एनएससी वाला काम होगा, एनएससी वाला हुआ था, राइट। तो ये मेरा 2 मार्च के दिन आपका, आप देखोगे यहां मेरे को कंफर्मेशन एक रेड कैंडल आ गया, मैंने कहा मेरा सेकंड कैंडल हैज टू बी अ रेड कैंडल, या कंफर्मेशन कैंडल रेड आ गया, ठीक है। थर्ड डे सुबह मुझे इसके नीचे मार्केट चाहिए 9:30 के बाद, 9:30 के बाद इसके नीचे मार्केट चाहिए, हां यानी 67 के नीचे, ये यहां पर आपका 67 के नीचे मान लीजिए कुछ भी ओपन हुआ 68 पे, ठीक है, और ओपन होने के बाद में हाई 71 है, लो 51 का है और क्लोजिंग 65 की है। मैंने कहा कंफर्मेशन कैंडल के बाद में मुझे अगर प्रीवियस डे का कंफर्मेशन कैंडल का क्लोज का नीचे मिलेगा मैं वहां पर शॉर्ट करके चला जाऊंगा, ठीक है, ठीक है सर, मैं यहां पर शॉर्ट करके चला गया। ओके, बहुत सिंपल है यहां तक, मैंने कहा मैक्सिमम ये ट्रेड मेरा 5 डेज रहेगा। स्टॉप लॉस पे आते हैं पहले कि हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। एक चीज मुझे पूछनी है, हाँ, जो आपने 1167 की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ये लिखी भी आ रही है 1167, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, वो 1167 जो है वो हमारी फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है क्या? देखिए फर्स्ट कैंडल का लो पॉइंट है 1167.25, नहीं उसका क्लोजिंग पॉइंट है 1167 0.25, या क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट है, क्लोजिंग पॉइंट है, इस क्लोजिंग पॉइंट के नीचे प्रीवियस अगले दिन की क्लोजिंग होनी चाहिए, 25 पैसा नीचे से क्लोज हुआ है सर, ठीक है, अगर ये 67.25 पे क्लोज होता तो मैं नहीं लेता ट्रेड। ओके, हम लोग क्लोजिंग देख रहे हैं, इसका मतलब जब हम लोग अपनी फर्स्ट कैंडल सिलेक्ट करते हैं उसके अंदर तो हम लोग विक्स को भी देख रहे हैं कि वो विक्स बजनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, पर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे पे आ गए, अब बात कैंडल क्लोज की बात शुरू हो जाएगी वहां। यस, सेकंड डे मेरे को कैंडल क्लोजर चाहिए बिलो द क्लोजर ऑफ द इनिशियल कैंडल, इनिशियल कैंडल, ठीक है। अब ये जो क्लोज है इसके नीचे मॉर्निंग में जब भी बाजार खुलेगा मैं वहां पर शॉर्ट एंट्री मार दूंगा, मैं जो भी एग्जिट डिसीजन करूंगा वो 3 बजे बाद ही करूंगा, इंट्राडे मूव कहीं भी जाता है मुझे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो कंफर्मेशन कैंडल का हाई होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसके हाई की बात करूं तो 1180 का हाई है इसका। Yes. So 1166 पे एंट्री है, 1180 का हाई है, यानी मेरा 14 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। मुझे मेरी पोजीशन साइजिंग देखनी पड़ेगी कि क्या रिस्क मैं कैरी करना चाहता हूँ, मेरी क्या पोजीशन साइजिंग है, उस हिसाब से मुझे अपनी क्वांटिटी लॉट्स या ऑप्शन का हेज प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज पोजीशन साइजिंग एक ऐसा पॉइंट है जो ओवर अ पीरियड जाके मैं सीखा हूँ कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, अगर आप गलत हो तो भी सही पोजीशन साइजिंग आपको वापस सही ले आएगी। यस, सो वो एक बहुत क्रिटिकल पैरामीटर है। थर्ड डे अगर मैं यहां पे जाता हूं तो मेरा यहां पर शॉर्ट एंट्री हो गया, ठीक है, मैं इस ट्रेड को 5 डेज रखूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, ओके, 1132, ठीक है, ठीक है सर, 1166 से लेके 1132, which makes you 1166 minus 1132,
34 पॉइंट्स, ठीक है करेक्ट, और आपका स्टॉप लॉस था 14 पॉइंट्स का, या सो ऑलमोस्ट 2.5 times. अब थोड़ा सा जब एक्सपर्टीज हो जाएगा हम लोगों का, तो हम क्या करते हैं पांच के बाद में, ये एक थोड़ा सब्जेक्टिव पॉइंट है, हालांकि मैं इसको व्यूअर्स के लिए 5 days ही रखूंगा, बट बाद में वो सब्जेक्टिव होके ट्रेल भी कर सकते हैं. ओके, बट अभी हम इसको सिंपल रखते हैं, जो मैंने इनिशियल 1.5 साल में किया था कि मैं इसको मैक्सिमम 5 days कैरी करता था. ओके, ठीक है सर. हालांकि आज की डेट में अगर आप मेरे से पूछो तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, यहां पर आने के बाद में मैं मेरे SL को ट्रेल करता जाता हूं जब तक मेरा TSL हिट नहीं होता. ओके, मेक सेंस. क्योंकि जब मेरे को कंफर्मेशन आ गया बाजार पूरा बेरिश है, तो अगर मुझे यहां तक का भी आने का मौका मिल गया, 1102 का लो बनाया, इसके बाद इसने 1088 का लो बनाया, तो कहां दिक्कत है, ठीक है. बट आपने अगर देखा हो तो मेरा 1:2 विद इन 5 days आ गया था, ठीक है. इसी को एक बार हम किसी दूसरे पे लॉन्ग समझते हैं थोड़ा सा. ओके, ये जो ट्रेड्स मैंने लिए हैं मैंने उन्हीं को मार्क करके रखा है. अब ये देखिए लॉन्ग का ट्रेड है, जरा ध्यान से देखते हैं अपन. प्रीवियस ट्रेंड वाज एस्टेब्लिश्ड, एक प्रीवियस ट्रेंड था बेरिश. अगर प्रीवियस ट्रेंड, और रोहित जी मैं बताना भूल गया, मुझे प्रीवियस ट्रेंड साइडवेज नहीं चाहिए. ओके, हैज एस्टेब्लिश्ड ट्रेंड. ओके, बुलिश ट्रेंड ले रहा हूं तो प्रीवियस ट्रेड बेरिश होगा, और बेरिश दैट इज हाउ द मीन रिवर्सल विल वर्क ना. यस यस, तो वो अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर है. या अब आप वापस से देखिए, जो हम डे वन पे अभी हमने जब स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि फिर से कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि मूविंग एवरेज की लाइन को प्राइस ने छोड़ा हो. यस yes. अब पूरा देखिए चार्ट को, कहीं नहीं छोड़ा. यस yes. ठीक है, ये यहां पर मेरा पोजीशन लॉन्ग हुआ, ये यहां पर सॉरी yes. ये वो कैंडल है जो डे वन पे आइडेंटिफाई हुई, ये इनिशियल कैंडल है. सेकंड आपकी कैंडल होगी कंफर्मेशन कैंडल. अगले दिन सुबह इसके ऊपर खुला, और आपने बाय कर लिया इसको. यहां पे 182 है. अब यहां पर क्या है, जैसे कई बार ऐसा भी होगा, मैं एक और चार्ट मैंने वो जानबूझ के वो चार्ट रखा है वो भी दिखाऊंगा आपको. यहां मेरा 182 का बाय हो गया, यहां पर मेरा 177 का स्टॉप लॉस हो गया 5 रुपए का. 1, 2, 3, 4, 5, 195 पे एग्जिट. 14 रुपया बन गया मेरा. यस, 5 रुपए के स्टॉप लॉस से. एग्जैक्टली. सो बेसिकली मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एक पैनिक मूव आया, आप इसके पीछे के कॉन्सेप्ट को अपन थोड़ा समझते हैं. एक ट्रेंड था, उस ट्रेंड को किसी ने और परस्यू करने की कोशिश करी, बुल्स आए और उसको बदलने की कोशिश करी. मैंने उनकी स्ट्रेंथ है या नहीं है ये जानने के लिए नेक्स्ट डे का और वेट किया कि ये बेयर्स को हटा के ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे. हमने शुरू में बात कही कि क्लोजिंग के टाइम पे हम देखेंगे कि भाई जो मैच्योर हैंड्स हैं वो मैच्योर हैंड्स अपने हाथ में चीजें रख पा रहे हैं या नहीं. ये मेरी क्लैरिटी वाली कैंडल थी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गैप अप होते ही मैं एंट्री करके बैठ गया. अब मेरे को 5 दिन वेट करना है, मेरा स्टॉप लॉस मुझे पता है और मेरी एंट्री हो गई है. इट मेक्स सेंस, क्योंकि कैंडलस्टिक्स के ऊपर भी यहां पे हमको एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न भी मिल रहा है साथ. ये पैटर्न भी मिल रहा है हमें. यस yes. तो इस तरह की जब यहाँ पे yes. दो पैटर्न्स मिल रहे हैं. एक अपने को यहाँ पे वही जो हैंगिंग मैन पैटर्न होता है या फिर हैमर पैटर्न होता है वो मिल रहा है. उसके बाद yes. अगर इसको देखो तो इट इज आई थिंक मॉर्निंग स्टार आल्सो जो बनी रहा है यहाँ पे बन रहा है. क्लासिक रिवर्सल है और उसके ऊपर आप मीन रिवर्सल तो ले ही रहे हो इसको यहाँ पे. राइट राइट राइट. तो कभी ये आपने सही बोला, जब इस तरह के कुछ अच्छे ट्रेड्स मिलते हैं ना तो इन ट्रेड्स को मैं राइड और लंबा करता हूँ. ओके, इस ट्रेड को मैंने काफी अच्छा राइड किया था मुझे ध्यान है. अब देखिए आपको दिखाता हूं, इसी में एक बड़ी अच्छी चीज दिख रही है. यहां पर परसों ये कैंडल आइडेंटिफाई हुई, ठीक है ठीक है. कल ये कंफर्मेशन आया, पर ये आज ग्रीन कैंडल है तो मेरा एंट्री नहीं है. यस करेक्ट. यस, मुझे नेक्स्ट कैंडल का इंपॉर्टेंस मेरा बहुत है. ओके ठीक है, हम एक दो और लेते हैं ट्रेड समझने okay. के लिए.
प्रीवियस एक ट्रेंड था, यस, यहां पर मेरा ये गैप में कैंडल क्रिएट हुआ, यस yes. आप देखिए, मतलब ऐसा नहीं है मैंने ये एक ही टिक लगाया है, आप चार्ट में कहीं जाइए कहीं गैप कैंडल नहीं दिख रहे हैं आपको. ऐसा क्यों है कि वो एक ही दिन कैंडल आ रहा है गैप, आप समझ रहे हैं? बिकॉज उस दिन अति होगी एक तरीके से, गैप कैंडल आया, आज ग्रीन कैंडल बन गया, मेरे लिए कोई वैलिडिटी नहीं है. या ये कैंडल मुझे रेड चाहिए था, नहीं आया, बात खत्म हो गई. बट आप देखिए कहीं भी गैप नहीं आ रहे हैं, बराबर. बेसिकली हम लोग मार्केट के अंदर अति वाला पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि कहां पे, अगर तो वो बुलिश है तो वो ऊपर जा चुका है और नीचे गया है तो वहां पे, मतलब इट इज द लास्ट पॉइंट जहां पे लोग आके फंसेंगे एक्चुअल में. यस, लोग आके फंसेंगे. और मैं जो यहां प्ले कर रहा हूं वो शॉर्ट कवरिंग या पैनिक के टाइम का जो मूवमेंट है उस फास्ट मूवमेंट को कैप्चर कर रहा हूं. ये यहां एंट्री हुई, यहां एंट्री हुई, फोमो एंट्रियां हुई. यस, इस फोमो एंट्री के बाद इस कैंडल ने मुझे कंफर्मेशन ये दे दिया कि भैया मेरे जो है बुल्स के हाथ से बाजी निकल गई है. या अगले दिन सुबह मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ तो मैंने कुछ भी नहीं किया 9:30 बजे. ओके, क्योंकि मुझे तो इसके नीचे चाहिए था, इसके नीचे चाहिए या इसके नीचे 3:30 बजे के आसपास आया था ये. मैंने कहा आपको मैं दो बार देखूंगा, 9:15 से 10 बजे के बीच में और 3 बजे के बाद में, 3:30 बजे बाद में. ठीक है, 2:30-3 बजे के आसपास मैं जनरली, हम लोग क्या करते हैं इस तरह से अलर्ट लगा देते हैं. ये देखिए ना, मेरे काफी सारे शेयर्स के अलर्ट्स लगे हुए हैं. ठीक है, तो वो अलर्ट बज गया मेरा कि सर ये जो आपने प्राइस लगाया था ये आ गया. ठीक है, यहां मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ. ओके, इसका हाई मेरा स्टॉप लॉस हो गया क्लोजिंग पे, वो भी क्लोजिंग पे ही देखूंगा मैं. 1, 2, 3, 4, 5 या 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के अगेंस्ट में मुझे 12 रुपए मिले. 1:4 का ट्रेड है. ओके ओके, मेक सेंस. सो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई ट्रेड्स. ओके, और एग्जांपल देख सकते हैं इसमें. इसी में अगर हम आगे जाएंगे थोड़ा, इसी में चलते हैं या तो पीछे. ये देखिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ट्रेड है ये. अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा ना कि ये कैंडल टच है. लग रहा है, पर आप बताओ चार्ट पे है कि नहीं. प्राइस देखिए, इसमें ऊपर प्राइस देखिए, कैंडल का जो हाई आ रहा है वो 91.45 है एंड EMA का जो लो है वो 91.56 है, यानी कि 11 पैसे से प्राइस बचा हुआ है. पर मुझे एक बात बताइए इसके अंदर. हाँ, अगर हमें सिर्फ कोई एक EMA देखनी है फिर हम लोग 2 क्यों यूज कर रहे हैं? हम लोग 3 यूज कर सकते हैं सिर्फ. नहीं, बुलिश और बेयरिश दोनों में अलग अलग कैंडल ऊपर और नीचे होगी. आई मीन अगर हम लोग इस प्रेजेंट एग्जाम्पल को भी देखें, ठीक है. हाँ. तो द हाई इज बिलो द 3 EMA पॉइंट, ठीक है. करेक्ट. इफ इट इज बिलो 3 EMA पॉइंट देन इट इज ऑटोमेटिकली गोइंग टू बी बिलो द 5 EMA पॉइंट. हाँ, नहीं, मेरे को इसका 3 और 5 का जो मेरा दोनों का है कि जब मेरा नेक्स्ट कैंडल्स के मुंह आते हैं ना. अच्छा, आप ये भी देख रहे हो कि नेक्स्ट जो कैंडल्स उसके ऊपर मीन रिवर्ट कर रही हैं उसकी बॉडी एक के बीच में नहीं, दोनों के बीच में रहनी चाहिए. यस, ओके. That gives you some type of conviction that it is still ये एक ट्रेंड बन सकता है. Okay, right. वापिस से एक बार अपन समझते हैं क्योंकि ये पॉइंट समझने का है. प्रीवियस ट्रेंड था, मेरा गैप क्रिएट हुआ, मेरा ये ग्रीन कैंडल बना. इस कैंडल का कलर ग्रीन होना जरूरी है मेरे लिए. यस. नेक्स्ट में इसके ऊपर गया, मैंने एंट्री कर ली, मेरा स्टॉप लॉस क्लियर है 91. 1, 2, 3, 4, 5 या कितना आया मेरे को 97 से 103, 6 रुपए आया. स्टॉप लॉस मेरा कितना था? स्टॉप लॉस भी मेरा 5 या 6 रुपए ही था. तो अगर मुझे कैरी करता तो लंबा मिलता, बट मैं ये मान के चलता हूँ इस ट्रेड में मुझे 1:1 मिला. ठीक है, ऑलराइट. सो अब इसमें जो ट्रेड करते हैं ट्रेडर्स
वो कैसे कर सकते हैं उस पे आते हैं। ओके, ट्रेड करने के दो तीन तरीके हैं। एक आप फ्यूचर कहीं, मैं क्या करता हूं, मैं फ्यूचर के साथ में हेज बाय करता हूं। ओके, मैं फ्यूचर को शॉर्ट या लॉन्ग करूंगा और उसके साथ में हेज बाय कर लूंगा। ओके, हेज इसलिए बाय करता हूं क्योंकि मैं कभी भी ओपन विंडो नहीं छोड़ता हूं मेरे कभी भी किसी ट्रेड में। ओके, मुझे नहीं पता कि कल क्या होने वाला है मार्केट में, आई एम मतलब ये सब फेल हो सकता है लाइफ में। ओके, बट मेरे पास कितना कैपिटल है वो मुझे पता है। ठीक है, तो मैं हेज जरूर बाय करता हूं, मेरा फ्यूचर के साथ हेज का बाय का सिस्टम है। इन दिस यू कैन डू ऑप्शंस बाइंग एज वेल बिकॉज 5 दिन का ट्रेड है। अगर हम 1 से 10 तारीख के बीच में ये ट्रेड ले रहे हैं तो हम ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं और ऑप्शन बाइंग में हम 2x को टारगेट कर सकते हैं। ओके, 2x ऑफ द प्रीमियम। ओके, व्हाट आई हैव एक्चुअली यू नो ऑब्जर्व्ड ओवर दिस पीरियड कि हम उसमें 1 से 10 तारीख में क्या होता है, बहुत ज्यादा डीके आएगा नहीं, एंड इन केस ऑफ लिमिटेड डीके और फास्ट मूवमेंट ऑप्शन बाइंग कैन आल्सो गिव अस मनी। सो दिस इज हाउ इट कैन बी ट्रेडेड एज वेल। ओके, बट उसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है, कई लोगों के पास इतनी कैपिटल नहीं होती कि वो एकदम से फ्यूचर बाइंग या फ्यूचर सेलिंग कर सकें। ठीक है, बिकॉज इवन इफ दे आर यूजिंग द हेज तो भी कम से कम उनका जो स्टॉप लॉस है वो 12-13 हज़ार का तो आएगा उसके ऊपर। तो उस केस में आप लॉन्ग ट्रेड करिए, कैश में करिए। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये कल आया परसों, कल ये सुबह मॉर्निंग की कंफर्मेशन कैंडल पे मेरी एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो आज से 5 दिन गिनते हैं। ओके, ऑलराइट, मेक सेंस। आपने इसके ऊपर कभी स्प्रेड क्रिएट करके देखे हैं? हाँ, स्प्रेड के ऊपर मैं आपको बताऊं, इसमें डेबिट और क्रेडिट डेबिट स्प्रेड बनाए जा सकते हैं। डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट नहीं। डेबिट स्प्रेड क्या, 5 दिन है ना, तो आपको डेबिट स्प्रेड थोड़ा जल्दी पैसा दे देगा। सीरियसली, आप ITM कॉल लीजिए अगर आप लॉन्ग जा रहे हैं तो, और थोड़ा जहां पर आपको रेसिस्टेंस लेवल लग रहा है उधर का OTM कॉल भेजिए। ओके, सो लेट्स सपोज कि अल्ट्राटेक का ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा इस वक्त 10,100 के आसपास की तो पुट लूंगा, 10,100, और मैं अगर वैसे चार्ट पे जाके देखूं तो 9,450 मुझे एक रेसिस्टेंस लगता है, सपोर्ट लगता है नीचे का। तो मैं इसके आसपास की जाके एक पुट बेच दूंगा। ऑलराइट, थोड़ा डिस्टेंस इतना रखूंगा कि भाई ठीक है, एक लॉट में मुझे 5,000-7,000 रुपए तो हाथ में रखने पड़ेंगे ना, लॉस में इतना तो करना पड़ेगा, वरना F&O 5,000-7,000 रुपए पर ट्रेड से नीचे तो नहीं जा सकता। और अगर आप बिल्कुल पास में ले लोगे कि 9,900 या 9,700 तो फिर आपको पैसा नहीं बनेगा। यस, हाँ, क्योंकि डेबिट स्प्रेड्स के अंदर अगर आपने गलती से भी उसको थोड़ा सा डेल्टा थीटा न्यूट्रल बनाने की कोशिश की तो फिर वो उसके ऊपर डिके ही नहीं आएगा, वो फायदा नहीं देगा। सो या, अ लिटिल इन द मनी एंड अ लिटिल आउट ऑफ द मनी, इवन फार आउट ऑफ द मनी सेलिंग विल मेक सेंस। लॉस तो फिर भी हो सकता है, बट एटलीस्ट वो कम होगा उसके उसके कम होगा। करेक्ट, ऑलराइट, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस एज फार एज रिवर्सल ट्रेड्स आर कंसर्न्ड। ओनली थिंग इज कि मेरे अंदर का ट्रेडर कह रहा है कि अगर इसको करना है तो या तो ऑप्शंस के साथ करना या फिर डू इट विद फ्यूचर एंड देन ऑप्शन हेज, क्योंकि इक्विटीज के अंदर देयर कैन बी चांसेस जहां पे इक्विटीज के अंदर बंदा फिर लॉन्ग साइड की ट्रेड ही ले सकता है ना, शॉर्ट साइड की ट्रेड तो ले नहीं सकता। इक्विटीज में तो लॉन्ग के ट्रेड ही आएंगे, F&O के अंदर मुझे शॉर्ट मिलेंगे। या शॉर्ट तो इक्विटी के अंदर, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं वो चाहें तो इस ट्रेड को बहुत अच्छे से राइड कर सकते हैं, अच्छा मोमेंटम मिलता है उसमें। कोई 1,000, 2,000, 5,000 शेयर लेके बैठना चाहे, मान लो 100 रुपए का शेयर है कि मैं तो 50,000 का लेके देखता हूँ, तो वो कम से कम 15-20% राइड कर जाएगा अगले 10 दिन में इस ट्रेड को। ओके, वो राइड उतनी आसानी से हो जाती है। बट हम लोग जो करते हैं उसमें अगर ऑप्शन करना है तो इन द मनी को बाय करना पड़ेगा और थोड़ा OTM बेचना पड़ेगा, ताकि वो जो फास्ट मूवमेंट है उसकी वजह से जो ये वेगा और ये जो चीजें होती है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट मूव करती है इन टर्म ऑफ वन साइडेड मूव, वो हमारे अगेंस्ट नहीं जाए। इस चीज को तो मैं लॉजिक बहुत सिंपल है, लॉजिक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट आई कैन डू इज, इसको तो मैं बैक टेस्ट भी कर सकता हूँ वेरी इजीली। MEBroker के ऊपर आई हैव द डाटा विद मी
all I have to do is run a back test and see how it performs. And I know because मैंने ये logic मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं पे था, I know it will work. But इसके अंदर हमें एक वो चीज़ ज़रूर देखनी पड़ेगी. We have to find stocks which are actually highly mean reverting. Yes. Rather इसमें ना FNO के stocks तो होते mean reversal है. वो भी है. और मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो mean reverting आप कह रहे हो, उसकी जगह मैं अगर कहूँ कि अगर आपने previous trend को justify कर लिया, stock में previous trend है, तो ही काम करना है. कई बार ऐसा होगा कि sideways trend में भी आपको मिलेगा ये gap up, वहाँ काम नहीं करेगा. I think जहां तक ट्रेंड की बात है ना, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन पुट अ लीनियर रिग्रेशन ऑन द स्लोप ऑफ मूविंग एवरेज, यस, टू आइडेंटिफाई कि कहां पे ट्रेंड हो सकता है. आई थिंक दैट कैन बी वन पैरामीटर दैट कैन बी इनबिल्ट. कि लेट्स से हम लोग यहां पे ईएमएस यूज कर रहे हैं फॉर द लास्ट 10 to 12 days, इफ द लीनियर रिग्रेशन स्लोप इज पॉजिटिव फॉर ईएमए आइदर साइड, let's just declare it as a trend. Yes. So I think I can do that thing. ये हो सकता है. Yeah, it can be done. It can be done. It can be done. I mean, the implications are limitless. ठीक है, one can try it on intraday also. नहीं, आपको वो मैंने क्या बोला, इसके अंदर मुझे सारी possibilities जो है ना stop losses की या फिर जो noise है basically. मुझे सब नॉइस अवॉइड करनी है, तो फिर मुझे डे एंड पे ही काम करना पड़ेगा. आपने बेसिकली इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि आपने बोल दिया कि मुझे दिन की वॉलेटिलिटी नहीं देखनी, ठीक है. Yes. मैं 9:30 देखूंगा, मैं 2:30 देखूंगा, एंड दैट मेक सेंस बिकॉज दैट इज समथिंग आई डू माई सेल्फ. मैं 3 hour के टाइम फ्रेम के ऊपर वर्क करता हूँ, ठीक है. मैं 12:15 और 3:15 मार्केट देखना पसंद करता हूँ सिर्फ एक एक बार, ठीक है. बट आई एम थिंकिंग फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव कि जहाँ पे if the rules can be codified and can be implemented, let's just try it. मेरा तो दिमाग चलता रहता है उस चीज के ऊपर. नहीं, अच्छी बात है. क्योंकि मेरा मानना है कि दिन भर अगर हम मार्केट देखेंगे तो उसकी नॉइस में हम भी फंस जाएंगे. Yeah, so अगर मैं इसको इंट्राडे भी बोल भी रहा हूँ, I am nowhere looking at it from manually doing it perspective. No, but हाँ, it gives a good exercise कि हाँ इसको कैसे किया जा सकता है. Correct. और इस पे हम एक चीज और कर सकते हैं रोहित जी, कि जब ये व्यूअर्स पूरा देख लेंगे और जब आपका ये सेशन लाइव होगा, तो उसके नेक्स्ट डे ही हम 4 to 5 ट्विटर के ऊपर जो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे, ठीक है. तो जिसको जितने क्वेश्चन होंगे, सिंस वी आर यूजिंग इट, सो वी वुड बी एबल टू ऑल द हैंडल ऑल द क्वेरीज. ठीक है, डन है. वी विल डिसाइड दैट एंड वी विल अनाउंस इट ऑन ट्विटर इटसेल्फ. ठीक है, राइट. आई थिंक दैट्स ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक. आप इसके अंदर कोई इंडिकेटर्स वगैरह नहीं यूज करते ना, अपार्ट फ्रॉम ईएमएस? मैं कुछ भी यूज नहीं करता. मैं जितना प्लेन और सिंपल रखना पसंद करता हूँ चीजों को, वो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी दूर हो जाती है. आप इसको देखिए, मुझे ये निकालना है, मुझे डेली एक कैंडल ढूंढनी है, तो मुझे 100, 200, 300 चार्ट स्कैन करने हैं. And I can just, you know, go like this only. मैं आपके साथ ना मार्केट्स के बाद एक बारी पैचअप करूंगा. I'll tell you a simple way. उसके अंदर आपको स्कैनर ही बना के दे दूंगा इस चीज का. It will solve a lot of things for you. नहीं जी, बिल्कुल. And the second thing is, guys, you have to understand one thing. ठीक है, when we are talking about Pawan already financially retired हो चुके हैं, ठीक है. So he trades in a way जहाँ पे he can enjoy life and he can do things jahan pe inko least effort dalna pade, theek hai. So when he's saying that he's doing it, I believe him that he's actually implementing it in the market, because apart from this FNO trading method, he has investment methods jisko hum log fir kabhi Pawan ke sath discuss karenge. For now, Pawan, I'll put this video on YouTube Traders Talk, and I'll post you in the comments. So whatever the queries, I think you take it over from there, and then we will announce that Twitter session also, wherein you can take the direct live queries of the viewers also. It was so nice to have this session with you. I hope to invite you once again. I have to understand that investment thing from you also, because bahut aise mere viewers hain jo investments ke upar bahut kuch look up karte rehte hain, bahut zyada kuch. It's not about just FNO trading, they are into investments also. So for that also, I will also request you to do a session sometime. I know we have done this session a little in a hurry because I was trying to chase you for such a long time, and I'm happy to do it today.
नहीं, इट्स ऑल माय प्लेजर आल्सो रोहित टू कनेक्ट विद यू, और डेफिनेटली जो इसको देखेगा, जो सीखना चाहता है और उसको अगर 100 बार मिनिमम प्रैक्टिस करेगा, 100-200 चार्ट स्कैन करके देखेगा कि वेदर इट हैज वर्कड आउट और नॉट, एंड इफ ही सीज दैट विद 1:2 और 1:3 काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी, इफ ही सीज दैट 60-65% सक्सेस इज देयर मिनिमम, सो ही विल बी कन्विंस्ड टू यूज इट. ठीक है, ट्विटर हैंडल आप बता दीजिएगा, आई थिंक आप इसमें लास्ट में ऐड कर दीजिएगा. या आई विल ऐड इट है ना. So thanks a lot for the session. Thank you so much, Rohit.